हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सव्यसाची टाइप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे और जिसकी कटिंग हम डायरेक्ट आज फैब्रिक पर ही करेंगे। तो ये फैब्रिक मैंने ले लिया है, ये मैंने इनर पार्ट लिया है और ये मेन फैब्रिक, मैंने दोनों फैब्रिक ले लिए हैं और दोनों के साथ ही आज हम कटिंग करेंगे। तो ये 36 साइज़ का ब्लाउज हम बनाएंगे। तो लेंथ मार्किंग हम कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग पहले करेंगे। तो अब हम यहाँ पर पहले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंथ मार्क कर लेते हैं। तो लेंथ हमारी 14 इंच है, 14 में हम 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये 15 इंच का ही फैब्रिक मैंने एग्जैक्ट लिया है। तो ये हमने फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर है 14 इंच, 14 को हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7 इंच, 7 इंच में हम 2 इंच माइनस करेंगे और हम यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये 5 इंच पर मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर होता है उसमें हम 1 इंच माइनस करके आर्म होल की मार्किंग करते हैं। तो 7 इंच हमारा शोल्डर है, 7 में से 1 इंच माइनस करने पर 6 इंच हो जाता है। 6 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए हाफ इंच कम करेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो जितना हमने यहाँ पर शोल्डर लिया है 5 इंच, उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करके 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, यानी कि हाफ इंच अंदर की साइड में मार्किंग करके और आर्म होल और शोल्डर वाले मार्क को हम स्ट्रेट में मिला लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई लगाते हैं। तो इस ट्राइंगल वाली शेप से हम आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से। तो आपका जो भी टोटल मेजरमेंट है आप इसी के अकॉर्डिंग अपने मेजरमेंट को मेजर करते हुए और यहाँ पर मार्किंग करते जाइएगा। शोल्डर के लिए मार्किंग हो गई है, आर्म होल के लिए मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है यहाँ पर 36 इंच, 36 का फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच। तो 9 इंच पे हम मार्क करेंगे और 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो ये हमारा टोटल फैब्रिक कितना है, ये 2 इंच ये है, ये मैंने फैब्रिक ले लिया है मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पर अंडर, ये हमारा जो बस्ट पॉइंट है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर 10.5 इंच है, 36 के हिसाब से 10.5 इंच बस्ट पॉइंट आता है और बस्ट पॉइंट की विड्थ आती है 3.6 इंच। तो 3.6 इंच पे हम मार्क कर देंगे इस तरह से। और इस निशान को सीधा मिला लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर इस कोने से 1 इंच इधर निशान लगाएंगे और इस निशान से दोनों साइड में 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये 1/2 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस सेम जो 1/2 इंच वाली मार्किंग है, इस मार्किंग को हमें इस वाले पॉइंट से मिलाना है जो हमने बस्ट पॉइंट की लेंथ यहाँ पर लगाई थी। तो इस तरह से हम ये पॉइंट मिला लेंगे। तो यहाँ की मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर इस वाले जो बस्ट पॉइंट की लेंथ थी हमारी, इसको स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी हमारा गैप है उस गैप को हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर सर्कल बनाते चले जाएंगे। जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक का टोटल पॉइंट है उतना ही हम नीचे यहाँ पर मार्क करते चले जाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी यहाँ पर है 8 इंच। और यहाँ पे हम 2 से 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम ले लेंगे।
और हम यहाँ पर जितना हमारा यहाँ पे टोटल मेजरमेंट आया है उतना एक बार के लिए यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से, और जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक का गैप बचा है उतने गैप को हमें यहाँ पर टक्स में ऐड करना है। तो 3 इंच हमारा यहाँ पर गैप बचा है, 3 इंच को हम यहाँ पर टक्स में ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम जो ये हमारी सेंटर पॉइंट वाली लाइन है यहाँ से 0.75 इंच नीचे की तरफ यहाँ पर मार्क करेंगे और इस मार्क को इस वाले मार्क से मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें जितना हमारा यहाँ पर गैप आया है उस गैप तक पॉइंट पर निशान लगाना है इस वाले पॉइंट से। तो ये 3 इंच का हमारा गैप आया है, 3 इंच को हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, और इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिला लेना है। तो ये हमारा टक्स पॉइंट का जो भी निशान है वो लग गया है। अब हमें यहाँ पर इस वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेना है जो हमने यहाँ पर मार्किंग की थी अम्ब्रेला शेप लगाते हुए, इस वाली मार्किंग को हमें नीचे तक स्ट्रेट कर लेना है ये हमारी कमर की मार्किंग थी। और 2 से 2.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे कमर की साइड में, क्योंकि ये हमारा टक्स में इतना फैब्रिक चला जाएगा तो इसको जब हम इस तरह से यहाँ पर मिलाएंगे तो हमारी यहाँ पर कमर कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट ही रखेंगे। अब हम यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है, तो नेक आप अपने अकॉर्डिंग जिस शेप का बनाना चाहें उस शेप का आप यहाँ पर नेक ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप बना रही हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच की जो नेक की विड्थ है वो 2.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नेक की विड्थ रख सकते हैं, आप 3 इंच भी लगा सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच लगाई है और नेक की लेंथ मैं यहाँ पर 7.5 इंच लगाऊंगी, और 2.5 इंच पर विड्थ लगाकर हम नेक को यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे नेक के लिए, और इस वाली लाइन को स्ट्रेट में मिला लेंगे बॉक्स बनाते हुए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम स्वीट हार्ट शेप नेक की लगाएंगे, तो यहाँ से इस तरह से इस जो लाइन है इसको हाफ में इस तरह से करते हुए और स्वीट हार्ट की हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप जिस टाइप का भी नेक यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें वो आप यहाँ पर नेक ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये नेक की शेप मैंने ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हम 2 पॉइंट नीचे की तरफ निशान लगाएंगे नेक की साइड में, और इस निशान को शोल्डर वाले जो हमारा निशान है उससे मिला देंगे इस तरह से। अब इस सेम जो मार्किंग हमने की है इस सेम मार्किंग के ऊपर हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कटिंग मैंने कर ली है। ये वाली कटिंग हम नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट हम यहाँ पर प्लीट्स क्रिएट कर देंगे स्टिचिंग करते हुए। तो सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम स्टिचिंग करके इस प्लीट्स को बना लेना है, और यहाँ पे हमने जो ये मार्किंग की है इस मार्किंग पर हमें स्टिचिंग करनी है। नीचे मैंने ये 1/2 इंच का फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए मार्जिन छोड़ दिया है, यहाँ पर भी मैंने मार्जिन छोड़ दिया है, बाकी हमें स्टिचिंग एज इट इज़ करनी है। तो अब इन दोनों फैब्रिक को हम अलग करके जो ये वाली हमने मार्किंग की है इनर फैब्रिक पे ये हम दूसरी साइड में भी ट्रांसफ़र कर लेंगे।
तो ये मार्किंग को मैंने दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इस फैब्रिक को, इनर वाले फैब्रिक को एज इट इज़ रख लेना है और इसकी हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से अच्छी तरह से पिनअप करते हुए इन फैब्रिक को पहले सेट कर लेंगे। तो ये पिनअप करके मैंने रख लिया है, अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए हम चलते हैं मशीन पर और स्टेप बाय स्टेप इसकी कैसे स्टिचिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को चारों तरफ से स्टिचिंग करके जॉइंट कर लेना है, इनर पार्ट और लाइनिंग वाले इस इनर और मेन फैब्रिक को। तो चारों तरफ से हम इसकी स्टिचिंग करके इस फैब्रिक को जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पूरे ब्लाउज में स्टिचिंग चारों तरफ से लगा ली है। अब हमें इसकी प्लीट्स डालनी है। तो जो ये प्लीट्स हैं इस साइड की, पहले हमें बीच में एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर, ताकि ये फैब्रिक हमारा खींचे नहीं इधर उधर। तो इस तरह से बिल्कुल दोनों ये जो हमारी मार्किंग है इनके बीचों बीच हमें एक स्टिचिंग यहाँ पर लगा देनी है। अब हमें ये जो हमारी बीच वाला ये जॉइंट है इसको स्टिच करना है। तो इस तरह से पकड़ते हुए, और जो ये हमारा ये पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पे मैच करते हुए हमें और इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है इस तरह से। तो जहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट ये यहाँ तक मैच हो रहा है वहाँ से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से। तो आप देख सकते हो हमारे जो ब्लाउज की कप की शेप है बिल्कुल परफेक्टली दिखाई दे रही है। सेम इसी पैटर्न को इसी मेथड से हमें दूसरी साइड में भी स्टिचिंग लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमारी जो प्रिंसेस कट सभ्यसाची ब्लाउज की शेप है बिल्कुल परफेक्टली बन गई है। अब इसके बाद हमें नेक को स्टिच कर लेना है, इसके ऊपर नेक की शेप की पट्टी ही कट करते हुए नेक को स्टिच कर लेना है। शोल्डर हमें दोनों पार्ट बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर स्टिच करने के बाद हमें आर्म होल को स्टिच कर लेना है क्रॉस पट्टी स्टिच करते हुए, और साइड की फिटिंग लगाने के बाद हमें इस ब्लाउज को कंप्लीट कर लेना है। तो इतना जो भी हमारा ये पैटर्न है ये जब हमारा फाइनल लुक आएगा तो मैं इसका आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए इसकी मैं जो भी कटिंग है फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग सारी करके और इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए गाइज ये है मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक, और सभ्यसाची प्रिंसेस कट की जो ये ब्लाउज की शेप है ये बिल्कुल परफेक्टली दिखाई दे रही है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी कोई आपको इस वीडियो में डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रेंडिंग से डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।